अब अच्छा खबर, ऐसे तो लॉकडाउन में ऐसन बहुत सारा घटना आगू आईस जेन मानवता ला शर्मसार करीस, फिर कई ऐसन अच्छा घटना भी आईस जेन ए बात ला फिर साबित करीस के आज भी विपरीत परिस्थिति में कई लोगन फरिश्ता बन के आगू आते। झारखंड के रवैया इतिश्री नंदा जेन गुमला के अनुसार ओकर बर ऐसन ही फरिश्ता बन के काम आईस जसपुर राज परिवार के प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, जेन काम झारखंड सरकार नहीं कर पाईस तेन ला कर दिखाईस प्रबल प्रताप सिंह के प्रबल इच्छा शक्ति। आवा सुनिन महिला के ही जुबानी। नमस्कार, मैं इतिश्री नंदा गुमला झारखंड की रहने वाली हूँ। 3 मार्च को मेरे हस्बैंड का हार्ट अटैक हुआ यही घर पे शाम को, तो हम लोग उनको लेके रांची रिम्स में गए। वहाँ पर रिम्स में एडमिट कर दिए, वहाँ डॉक्टर हेमंत नारायण उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। फिर उनका जब थोड़ा सा कंडीशन में सुधार हुआ 4-5 दिन के बाद डॉक्टर बोले कि अभी आप उनको लेके बाहर चल जाइए, बेंगलोर चाहे भैलोर चल जाइए, उनका जल्दी से बाईपास सर्जरी करना है, इमीडिएट ले जाइए। तो नेक्स्ट डे हम लोग उनको लेके बेंगलोर चल गए और बेंगलोर में नारायणा हृदयालय में उनका एडमिट किया गया। वहां पर डॉक्टर रमेश शेषाद्री उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। अब ऑपरेशन तो करना था, वहां पर भी कन्फर्म हो गया, लेकिन अब चिंता का विषय हो गया था कि ऑपरेशन का खर्चा कहाँ से लाया जाए, क्योंकि मेरा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है ना मेरे हस्बैंड का भी कोई गवर्नमेंट जॉब है। इसीलिए वहां पर हमको ये टेंशन हो गया, तो मेरे दिमाग में आया कम से कम झारखंड सरकार से सहायता कोष से कुछ मदद मांगा जाए ताकि ऑपरेशन हो पाए। तो झारखंड सरकार से हम मदद मांगने के लिए जितना मंत्री, जितना फोन नंबर, जितना कॉन्टेक्ट, जहां से भी हो सके हम सभी से कॉन्टेक्ट करने का बहुत कोशिश किए, सबसे हेल्प मांगे, लेकिन किसी तरह से भी हमको कोई मदद नहीं मिला। अंत में हमको ये बोल दिया गया कि अब लॉकडाउन हो गया, कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगा। चलिए उसके बाद तो हम घर वालों से बाहर वालों से कुछ कुछ रकम इकट्ठा करके उनका ऑपरेशन तो कर दिए। अब ऑपरेशन के दौरान भी हम गुमला डीसी से भी ये रिक्वेस्ट किए थे कि मेरा दोनों बच्चा को हम वहां पर छोड़ के आए हैं अकेले, और ऐसे ऐसे परिस्थिति में हम लोग रांची से बेंगलोर आए हैं, प्लीज वहां पर लॉकडाउन के दौरान बच्चे लोगों का भी ध्यान थोड़ा रखने के लिए कृपा करें। लेकिन कोई यहां पर भी मदद नहीं किया गुमला में। अब वहां पर जिस दिन उनका डिस्चार्ज हुआ, हस्बैंड का डिस्चार्ज हुआ, उस दिन 24 तारीख था, फिर से लॉकडाउन हो गया। अब उनको लेके भी नहीं आ सकते, फ्रेश पेशेंट थे, इसीलिए हॉस्पिटल के नियरेस्ट में एक रूम लेके हम लोग रहे। वहां पर रहना, खाना, रूम का किराया देना और एक तो परेशानी हो गया था। फिर से हम गवर्नमेंट से हेल्प मांगे, फिर गवर्नमेंट से उस समय बोला जा रहा था कि गवर्नमेंट सबका हेल्प करे जो लोग बाहर रह रहे हैं, लेकिन हम बहुत फोन किए, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर में आप लोग चेक करके देख सकते हैं कि हम कितना सारा हम कॉल किए हैं, कितने लोगों से हेल्प मांगे हैं, लेकिन मुझे कोई हेल्प नहीं मिला। अंत में फिर वो लोग बोल दिए कि अब लॉकडाउन हो गया है, आप लोग आ भी नहीं सकते, वहीं पर रुकिए। अब कौन जानता है हम लोग को वहां पर रहने के लिए क्या क्या परेशानी हो रहा है। फिर वहां से हम लोग निकलने का व्यवस्था करने लगे। फिर 15 तारीख से पहले ही हम लोग सोचे लॉकडाउन खत्म होगा तब यहाँ से निकल जाना ही उचित होगा, क्योंकि और पैसा नहीं है, खर्चा नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल से वहां तक तो हम लोग खींच के रखे, लेकिन उसी दौरान छत्तीसगढ़ जसपुर के रहने वाले राजा प्रबल प्रताप सिंह देव जी उनका कॉन्टेक्ट नंबर मेरा कोई मित्र से उनको मिला। उनसे मैं कॉन्टेक्ट किए, उनसे बात की, और वो बोले कि मैं आपका सहायता करूंगा, और वो बेंगलोर में रहने वाले उनके किसी मित्र को मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिए। फिर उन्हीं दोनों के बदलत और एक तो वहां पर बेंगलोर में रहने वाले पारितोष भैया जिनसे हेल्प लेकर मैं थाना वाला से परमिशन लिया, और उन लोगों के चलते मैं यहाँ पर गुमला में आज घर में हूँ और सुरक्षित मैं वापस घर लौट आई हूँ। इसी दौरान जो भी मुझे परेशानी हुआ बेंगलोर जाने और आने के क्रम में, सबके लिए मैं कहीं ना कहीं झारखंड गवर्नमेंट को भी थोड़ा दोषी मानता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा हुआ। यहाँ पर मैं गुमला डीसी को भी फोन किए थे कि बच्चा लोग वहां पर अकेले हैं, थोड़ा सा हेल्प करें, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आया था बच्चा लोगों के लिए भी। क्या सब कोई गरीब लोगों के लिए सोए हुए रहते हैं? वो धन्य है वो प्रबल प्रताप सिंह देव जी जो मुझे कम से कम मदद किए, वो उनका मित्र सुरेंद्र जी और पारितोष भैया, जिन तीनों के कारण मैं आज गुमला सुरक्षित पहुंच पाई हूँ। इसलिए बहुत बहुत तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि राजा जी और सुरेंद्र जी और पारितोष भैया को थैंक यू कि मैं आज घर सुरक्षित आ पाई हस्बैंड को लेके, और अभी ठीक हूँ। धन्यवाद।